मायावती ने इस साल अपना जन्मदिन कई कारणों से नहीं मनाने का फैसला किया है, जिसमें पिछले साल नवंबर में पिता का निधन, कोविड महामारी और किसान आंदोलन शामिल है। 16 जनवरी को टीकाकरण मुहिम की शुरुआत होने जा रही है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन मुफ्त नहीं मिली तो उनकी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। नगर निगम लखनऊ लाल बाग मुख्यालय में नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश के क्रम में अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी के द्वारा एंटी गार्बेज यूनिट का गठन किया गया। प्रत्येक जोन में गठित इस यूनिट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लखनऊ वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, जिससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। यूनिट द्वारा ऐसे व्यक्ति जो गंदगी फैलाते हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, सर्वप्रथम जागरूक किया जाएगा। शहर में गंदगी न फैलाए एवं कूड़ा नगर निगम द्वारा अधिकृत कूड़े वाले को 4 भागों में अलग अलग करके दे अथवा पॉलीथीन का उपयोग न करें। न मानने वालों के विरुद्ध चलान की कार्यवाही भी की जाएगी। लखनऊ राजेंद्र नगर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट बीच सड़क पर वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे अतिक्रमण को नगर निगम दस्ते ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की। समाजवादी पार्टी ने जारी की विधान परिषद के लिए प्रत्याशियों की सूची। अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। 12 सीट पर सपा ने उतारे 2 प्रत्याशी। देश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी दिन पीएम मोदी को विन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और एलर्जी वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। विधान परिषद उम्मीदवारों के नामों को लेकर भाजपा में मनन मंथन निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 12 सीटों के चुनाव के लिए 50 से अधिक दावेदारों के नाम। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।